देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो शुरुआत ग्वार कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ने ही रिलेटिवली हायर लेवल्स पे क्लोज दिया है। ग्वार सीड करीबन 6170 और ग्वार गम 11450 के करीब क्लोज देने में कामयाब हुई हैं। यहाँ पर हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छी रिकवरी देखी है, जहाँ पर दाम 6000 के नीचे भी फिसल गए थे, वहाँ से एक रिकवरी देखी गई है और ऊपरी स्तरों के करीब प्राइसेस होल्ड कर पा रही हैं। ऐसा लगता है कि ग्वार सीड में काफ़ी जल्द हमें 6350 से 6400 का एक लेवल देखने मिलेगा। वहीं ग्वार गम में भी 11800 के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस यानी एक हफ्ते की अवधि की अगर हम बात करें तो 2 से 3% की और जो एक बढ़त है हमें देखने मिलेगी, ऐसा लगता है। वहीं कैस्टर सीड में भी हमने दायरे का कारोबार देखा है, लेकिन ये दायरा काफ़ी जल्द ऊपरी तरफ शिफ्ट हो सकता है, यानी हमें 7700 से 7800 के लेवल भी आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेंगे, ऐसा एक व्यू बन रहा है। बेसिकली जो निवेशक हैं वो बाय करके चल सकते हैं जब तक 7050 के ऊपर प्राइसेस होल्ड कर रही हैं, और 7700 से 7800 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है, यानी करंट लेवल से करीबन 4 से 5% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखाई देने की उम्मीद लग रही है। वहीं कॉटन सीड ऑयल की या बिनौला खल की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 महीने से करीबन 3350 और 2900 के बीच एक दायरे का कारोबार बना हुआ है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये दायरा अब ऊपरी तरफ शिफ्ट होगा, यानी 3150 से 3500 के करीब। 3500 का लक्ष्य काफ़ी समय से पेंडिंग है जो अब तक हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में वो लक्ष्य हासिल होने की अच्छी उम्मीद बनी हुई है। वहीं पर M6 कॉटन में हमने अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है, 40,000 के लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, अब एक बेस बन चुकी है 40,000 के करीब, और ऐसा लगता है ये तेज़ी जो है 42,200 और उसके बाद करीबन 43,500 तक एक्सटेंड होने की क्षमता रखती है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अभी भी होनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लगभग 1,000 रुपये की तेज़ी के साथ मार्च वायदा जो है वो क्लोज़ हुआ है, और करंट लेवल से करीबन 800 रुपये की और तेज़ी इमीडिएट तौर पर दिखाई देगी, यानी कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर, और जो 43,500 का जो टारगेट है हो सकता है कि हमें 2 से 3 हफ्ते में हासिल होता हुआ दिखे। तो फिलहाल M6 कॉटन में अच्छी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दोनों में बनी हुई है। वहीं पर सोयाबीन भी हमने देखा कि एक दायरे का कारोबार है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी थोड़ी जो एक है कूलिंग डाउन हुई है प्राइजेज में। तो ये जो दायरा है ये 8,000 से लेकर 7,600 का बना रहेगा, लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें यानी 1.5 से 2 महीनों की बात करें तो ऐसा लगता है कि 8,200 के लक्ष्य आराम से हासिल हो सकते हैं। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में हमने जीरे में तेज़ी आते हुए देखा, 22,000 का जो एक लेवल हम डिस्कस कर रहे थे पिछले दो हफ्तों में वो हासिल हो चुका है, तो अच्छी खासी बढ़त हमने 19,500 से यहाँ भी आते हुए देखी है, और ऐसा लगता है ये बढ़त और एक्सटेंड होगी। अगला जो लक्ष्य है और जो पोजिशनल टारगेट है वो 24,000 का है, जो काफ़ी जल्द हासिल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इमीडिएट तौर पे 20,800 से 21,000 के बीच एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर बाय किया जा सकता है। छोटी अवधि में 22,500 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है और लंबी अवधि में 24,000 का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है। वहीं धनिया में भी तेज़ी के आसार हैं, 10,800 के करीब की जो क्लोजिंग आई है, ऐसा लगता है ये बढ़त और हो सकती है, और आने वाले कुछ ही समय में हमें लगभग 11,600 और उसके बाद 12,200 के लक्ष्य दिखाई देंगे। तो धनिया में भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं हल्दी में दायरे का कारोबार होने की उम्मीद है, हालांकि ये दायरा जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ हो सकता है, यानी निचले स्वरूप के आसपास बाइंग हमें दिखेगी 8,500 से 8,600 के बीच, और वहीं 9,200 के करीब हमें सेलिंग भी दिखाई दे सकती है। लेकिन बाकी मसालों के साथ हमें हल्दी में भी एक तेज़ी का रुझान देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो मेंथा में हमें एक ग्रेजुअल तेज़ी दिखाई दी है, 1,060 तक के लेवल भी हासिल करने के बाद 1,020-22 के करीब की क्लोजिंग दी गई है।
लेकिन जो एक पेंडिंग व्यू है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1080 से 1090 का, वो अभी भी हासिल होने की अच्छी उम्मीद है। इसलिए ये जो डिप है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 990 के नीचे के स्टॉप लेकर, और इमीडिएट तौर पर 1080 का लक्ष्य लिया जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले कुछ समय में मेजर एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।